हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए यूपी के अंदर दिव्यांग विधवा वृद्धा पेंशन कब आएगी, अप्रैल मई जून की पेंशन का पैसा कब तक आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता देगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए बेनिफिशियरी तैयार होना शुरू हो चुकी है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की बेनिफिशियरी तैयार हो चुकी है। पेंशन लगभग सभी की 15 जून से पेंशन का पैसा अकाउंट में डलना शुरू हो जाएगा और दो चार दिन में जो सभी के लगभग बेनिफिशियरी तैयार हो जाएगी। काफी बेनिफिशियरी तैयार हो चुकी है, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की बेनिफिशियरी तैयार हो चुकी है। देखिए आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये विधवा पेंशन का स्क्रीनशॉट है, 21 मई को जो इसकी बेनिफिशियरी तैयार हो चुकी है। देखिए यूपी के अंदर जो पेंशन भेजी जा रही है वो 1000 रुपये महीने के हिसाब से भेजी जा रही है और जिस किसी पेंशन का सत्यापन नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी अपनी पेंशन का सत्यापन करा ले, अपनी पेंशन की KYC करा ले, अकाउंट में NPCI लिंक करा ले और सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम अपना सेम होना चाहिए, तभी आपकी पेंशन आएगी। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट में नाम सेम ना हो सकता है आपका NPCI लिंक ना हो, आपका जो है मोबाइल नंबर लिंक ना हो, आपका FSC कोड चेंज हो गया हो, क्योंकि बैंक मर्ज हुए हैं उसमें भी IFSC कोड चेंज हुए हैं, किसी का नाम चेंज हुआ है तो पेंशन पोर्टल पर भी KYC कंप्लीट करा ले और बैंक में भी KYC कंप्लीट करा ले। जिसकी पेंशन रुकी हुई है वो भी आ जाएगी, जो आने वाली पेंशन है वो भी आ जाएगी। ये जो पेंशन की स्कीम है ये यूपी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जबकि कुछ अन्य राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन की बढ़ोतरी हो चुकी है और यूपी राज्य में अभी तक 1000 रुपये महीना पेंशन ही भेजी जा रही है। अब देखते हैं जो भी स्कीम आएगी आचार संहिता खत्म होने के बाद ही आ जाएगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद काफी सरकारी योजना आएगी, सभी को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।